और अब एक बार फिर बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में महाराष्ट्र में जिसको उम्मीदवार बनाया राज्यसभा का, उनका नाम है अजय संचेती। अजय संचेती के आरएसएस से नजदीकी रिश्ते तो हैं, लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि बड़े उम्मीदवारों को छोड़कर उन्हें क्यों चुना गया। और अब एक बड़ा विवाद उनका पीछा कर रहा है कि आदर्श घोटाले में उनके ड्राइवर का नाम कैसे आया हुआ है। इसलिए उम्र के 13 वर्ष से मैं उनको जानता हूँ, ये मेरा उनका परिचय। लेकिन ये कहना गलत है कि उस करीबी संबंधों के कारण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले लिया था, तो इसलिए मुझे कोई तुरंत लेके कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। अजय संचेती बता रहे हैं कि राज्यसभा के लिए वो चुने गए तो ये उनकी अपनी काबिलियत है। संचेती को एक सफाई आदर्श मामले में भी देनी पड़ रही है। आदर्श की विवादित बिल्डिंग में एक फ्लैट उनके निजी ड्राइवर सुधाकर मटके के नाम पर भी है। वो सुधाकर मटके जो नागपुर में धर्मपेट के स्लम इलाके में पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। माइन इज ए क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो मेनी पीपल वर्क देयर, आई कांट कीप अकाउंट ऑफ एवरीबॉडी राइट नाउ। पश्चिम नागपुर के धर्मपेट स्लम इलाके का ये 2 मंजिला मकान, यहाँ पर 2 दशकों से ज्यादा समय से सुधाकर मटके और उनके परिवार रहता है। आदर्श में नौकरशाह और नेताओं के रिश्तेदारों के फ्लैट तो हैं ही, कई फ्लैट बेनामी भी हैं। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अकेले पूर्व एमएलसी कन्हैयालाल गिडवानी के नाम आदर्श में 7 फ्लैट हैं, 3 उनके और उनके बेटों के नाम, जबकि 4 बेनामी फ्लैट। रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड मेजर जनरल टीके कॉल के पास भी आदर्श में 3 फ्लैट है जिसमें 2 बेनामी है। बाकी के बेनामी फ्लैट के असली मालिकों के नाम के खुलासे का इंतजार है। नागपुर से संजय तिवारी के साथ मुंबई से प्रसाद काथे, धर्मेंद्र तिवारी और विवेक गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।